जिमीदार दी करसान करसान दा अर्थ क्या करसान दे अर्थ बड़े डूंगे पर मैं अर्थ करसान दे अर्थ नहीं करूंगा गरीब दा दी गुरबाणी अंदर आ रहा है मेरा ख्याल अज पा भी दिता कल भी आया था काफर सो जो मारे हाली काफर मैंने इंदा मनमुख काफर मैंने नास्तक ओ व्यक्ति नास्तक है जेड़ा करसान नू हाली नू मारदा है काफर सो जो मारे हाली काफर सो जो चोरी काफर सो जो खेती चोरम काफर सो जो मारे मोर बह काफर जो खेती चोर बह काफर जो मारे मोर बह काफर जो मारे मोर बह काफर जो खेती चोर जानी जिमीदार है किसान है इन्हां दा जीवन देख लईए ये बहुत बड़े भगत हैं किसान इन्हूं भगत मन्या गया मेरा ख्याल तुसीं तां सुणदे होवोगे मैं मेरे चेते है एक पुराने समय गीत आउंदा हुंदा था तू ना बदलिया जट्टा जमाना बदल गया भी जट फिर भी उवें ही चल रहा है उवें ही अनाज दे रहा है कई गुणा अनाज खेत दे विचों पैदाइश ज्यादा करता है मेरा ख्याल सप्पां दीआं सीरियां मिधणियां पैंदियां हन रात नूं पानी देना पैंदा है मीह जावो हनेरी जावो गर्मी है सर्दी है आम तौर पर साधन आ गए पुराने समय यह गल हुंदी वी जेठ दे महीने जट साध बन जांदा बड़ी खेती औखी सारी वढ़नी पैंदी सी फले हुंदे थे फिर मीह पै जाना गिले हो जाने फिर फला कई दिन सुकाउणा फिर फला फेरना फिर तूड़ी सिर ते टोणी कणक सिर ते टोणी बीज बजाई सिर ते वाह पाई सिर ते फिर कई कितना है जे जिमीदार नूं इस नूं मारिया गया चोरां दी गल कर लईए चोर एक प्रकार दे नहीं पशु हन पक्षी हन यह भी चोरी दे नाल इन्हां दी फसल नूं उजाड़दे हन कई चोर भी उजाड़दे हन चोरी भी कर लैंदे हन फसल दी कणक दी चोरी फिर एक जगह चोरी नहीं फिर चोरी जदों वेचण जांदे हां राह 'च चोरी कर सकदे हन कई बारी जिहड़े लोक हन विच काम करने वाले हैं दाणा मंडी च अनाज मंडी च वह भी चोरी कर लैंदे हन तोलण विच चोरी कीती जांदी है जदों मुल लैंदे आपां उदों भी चोरी कीती जांदी है चोरी की जाती है गरीब दास जी गुरबाणी अंदर आ रहा है मेरे ख्याल बैराग के प्रकरण च आ रहा है गरीब दास जी कथन करते हैं कि गुरबाणी के अंदर मैं श्लोक मैं भुल जाता हाँ शायद चेते आ जाए खैर चोरी तोल दे विच फिर मोल मुल दे विच लैण लग्या भी लेंदे हाँ तो सानू बीज महंगा मिलता है ते शुरू तो लैके अंतम तक फिर प्रकिरति का प्रकोप भी हुंदा है ज़्यादा मीह पै गया मीह घट पै गया ज़्यादा धुप पै गई ज़्यादा ठंड पै गई ये कई प्रकार के जिहड़ियां मारां जिमीदार नूं पैंदियां हन ते वी बहुत वड्डा है जिमीदार बहुत वड्डा ये किसान बहुत वड्डा भगत है सो इत्थों ही ये सारे व्यापार का जिहड़ा आधार है तुसीं देख लो कणक ट्रैक्टर साढ़े पास हैं जिन्हें साधन बिकते हैं जिन्हें जिन्हें भी जिथे भी बड़े बड़े ये जगह बनाए जाते हैं साधन ट्रैक्टर ये जिमीदार वरतेगा ता ही उन्होंने नौकर काम करेंगे फिर टायर क्या है ट्यूब क्या है इंजन है वो रिपेयर है असं इंजन लेंदे हाँ वह भी ये उन लोग व्यापार चलते फिर जिन्नियां गड्डियां मैंने कणक लेके जाते हैं रेलवे स्टेशन से ज गोदामों के ट्रक चलते हैं पेट्रोल पंप का तेल लिया जाता है लेबर वाले काम करते हैं फिर बड़े बड़े जड़िया मशीन पिंड आटा पीसने वाली वो चलदियां हैं क्या कनी किन्ने व्यापार जिन्हें ये जिमीदार तो चलते सारे काम इतों चल रहा है कितने लोगों को पेट पूर्ति होंगी है अनेकें लोगों मतलब यह व्यापार मिलता है आटे तक कित्थे तक आटा बन के जाता है चावल बनते हैं है मेरा ख्याल भारत के जिन्या स्टेटा हैं उन्होंने चावल तैयार जी कणक है 60% निकलती होगी केवल पंजाब कल चावल कणक 40% निकलती बहुत बड़ी देन जी पंजाब की यह पंजाब की बड़ी देन है
ते कई जगह दास बोलिया है कि जिस टाइम ते गुरु नानक देव महाराज जी केड़ी जगह गए थे, हरिद्वार कुरुक्षेत्र गए थे, गए तीर्थ ते गए ते कर्मकांडी लोग सूरज नूं पानी दे रहे सन। सो मैं खंडन बंदन नहीं करता, सूरज नूं पानी तो मैं भी दे दिंदा, इहदे लाभ हानियां बारे भी मैं तां गल करदा, जे किसे ने करना मैनू कर भी लो। ते गुरु नानक देव ने पुछया भी तुसीं इह की करदे हो, कहण लगे सूरज नूं पानी दिंदे। अच्छा कहिंदे हाँ, गुरु नानक देव जी इधर पंजाब बोली नूं पानी देण लग पए। कहिंदे बाबा जी की करदे हो, कहिंदे तुसीं की करदे हो, कहिंदे सूरज नूं पानी दिंदे। कहिंदे तुसीं, कहिंदे मैं अपने खेतां नूं पानी दिंदा। कहिंदे खेतां नूं पानी किवें पहुंच जाएगा? गुरु नानक देव कहण लगे सूरज तक पानी किवें पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा? कहिंदे नहीं, सूरज तक किवें पानी पहुंच जाएगा? पर इहदे अर्थ हन बहुत ज्यादा, मैं तुहाडे नाल इहदे विचार सांझे नहीं कर सकदा, कर भी देवांगा कर भी लवांगा। खैर, सूरज तक पानी किवें पहुंच जाएगा? उन्हां दा कहण दा मतलब गरीब बंदे नूं तुसीं पानी दा गिलास नहीं पिओंदे। है सूरज नूं पानी पिओंदे ते बंदा मरदा होवे उहनां जाति पाति रख दिओ, क्यों ब्राह्मणा कोले ज्यादा विद्या सी ते इह मतलब गरीब बंदे नूं नब्ज नहीं देखदे ते सानूं पाप ना लग जाता।